शनिवार को हरियाणा के करनाल में प्रदर्शनकारी किसानों पर हुए लाठीचार्ज के मामले पर कांग्रेस के निशाने पर है हरियाणा की बीजेपी सरकार, खट्टर सरकार, और इसी मामले की शिकायत हरियाणा कांग्रेस के एक प्रतिनिधि मंडल ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से की है। मेरे साथ हरियाणा कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा जी हैं। क्या मांग करने आप लोग आए एनएचआरसी, और क्या आप लोगों को आश्वासन मिला? सारे देश ने, दुनिया ने देखा कि हरियाणा में कोई भी इंसान, कोई भी नागरिक, किसान मजदूर अपनी मांग नहीं रख सकता है शांतिपूर्वक। हमारा अन्नदाता, हमारा किसान 9 महीने से प्रोटेस्ट पर बैठा है, लेकिन ये सरकार उसकी बात सुनती नहीं है। आखिरकार मजबूर होकर किसान केवल क्या कहते हैं कि आप यहाँ आएंगे, हम आपको काले झंडे दिखाएंगे। क्या इतना भी बर्दाश्त नहीं कर सकती ये सरकार? एक लोकतंत्र में सबका अधिकार है कि वो अपना रोष दिखाएं, और शांतिपूर्वक जब रोष दिखाया जाता है तो ये पहले ही, ये दमनकारी सरकार है, पहले ही ये फैसला कर लेते हैं। अपने एडमिनिस्ट्रेशन को, प्रशासन को इन्होंने पहले ही ऑर्डर्स दे दिए, और उनको आपने देखा, मैं तो शुक्रगुजार हूँ आप मीडिया की, जिन्होंने बार बार इस चीज़ को दिखाया कि कैसे अफसर ऑर्डर्स दे रहा है कि सर फोड़ देना, आगे नहीं आ सकते, अगर कोई आए तो सर फूटा हुआ होना चाहिए। आप सोच सकते हैं ये कैसा देश है? इस तरह के जो निर्मम कार्य हो रहे हैं, सरकार का इस्तेमाल, ये प्रशासन का, पुलिस फोर्स का इस्तेमाल किया जाता है, और किसान का खून बहाया जाता है जो कि अपने खून पसीने से देश का पेट भर रहा है, आज उसके खिलाफ आप ऐसी बात करते हैं और ऐसा करके दिखाते हैं, इसका मतलब आपने पहले ही फैसला कर लिया था कि आपने उनके सर फोड़ने हैं, और आपने सर फोड़ कर दिखाए। और सिर्फ इतना ही नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बाद में सुना है, ये भी कहा है कि ये तो ऐसे ही होता है, इस तरह की कुछ बात कही। उन्होंने कहा कि पुलिस पर पत्थर चलाए जा रहे थे तो पुलिस शांति व्यवस्था बनाने के लिए बल प्रयोग तो, ये अब ये आगे कुछ भी कह सकते हैं। उन्होंने कहा है कि ये फोर्स समथिंग की जस्टिफाइड थी या कुछ भी, जस्टिफाई आप कैसे कर सकते हैं? लहू लुहान कौन हुआ है? आम आदमी, हमारा किसान लहू लुहान हुआ है, पुलिस ने उसके ऊपर फोर्स इस्तेमाल किए। लेकिन इसमें जो और जो बात है और आगे के लिए, कि माननीय मुख्यमंत्री जी जिस तरह से जस्टिफाई कर रहे हैं, इसका मतलब ये आगे के लिए भी ये कह रहे हैं कि हम तो ऐसा ही करेंगे। मतलब ये है कि अपने प्रशासन को क्लियर सिग्नल दे रहे हैं कि आपने ऐसा ही करना है। तो ये क्या एक लोकतंत्र है हरियाणा में? जंगल राज चल रहा है, नादिरशाही चल रहा है। मेरा जो मूल सवाल था मैम, एनएचआरसी से क्या मांग आप लोगों ने रखी है, और उन्होंने क्या आश्वासन? हमने उनसे कहा है कि आप अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए जो अपराधी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई, हमने सारे सेक्शन लिख कर दिए हैं उन्हें। हमने सेक्शन मांगे हैं 107, 108, 109, 147, 148, 307, 323, 325, 341, 342 और 120B। इसके जो अपराधी हैं, अफसर हैं, जो भी हैं जिन्होंने कार्य किया है, उन सब के खिलाफ होना चाहिए और उनको कॉम्पेंसेशन भी देना चाहिए। क्या आपको आश्वासन मिला? आश्वासन NHRC ने हमें ये दिया है कि हमारी सारी बात उन्होंने बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनी है, क्योंकि सबने अपनी अपनी बात रखी, जो भी डेलीगेशन गया था सभी माननीय सदस्यों ने अपनी अपनी बात रखी है, और उन्होंने बड़े इत्मीनान से हमारी बात सुनी, और उन्होंने कहा कि हम आपकी बात को पूरे ध्यान से सुनकर देखकर, क्योंकि हमने एविडेंस भी दिया है, उन्हें पेन ड्राइव दी है और न्यूज़पेपर कटिंग्स भी दी हैं, फोटोज़ वगैरह सब दिया है, तो उन्होंने कहा कि हम सब चीज़ों को देखेंगे और आगे हम इसको टेकअप करें। आखिरी में ड्यूटी मजिस्ट्रेट जो मौके पे थे, आयुष सेना, जिनका वीडियो भी वायरल हुआ, क्या उन पर भी स्पेसिफिक आप लोगों ने ये मांगा है? हमने मांगा है, हमने कार्रवाई मांगी है, हमने कार्रवाई मांगी है। ये अपराधी, उन्हें अपराधी घोषित किया जाए, बिल्कुल लवाब, उन्होंने कहा है तो अपराधी वो भी हैं और भी हैं, तो सबको अपराधी घोषित करना चाहिए। शुक्रिया शैलजा जी बात करने के लिए। तो शिकायत कांग्रेस की तरफ से NHRC को की गई है, और बड़ी मांग ये कि जिन अधिकारियों के नेतृत्व में किसानों पर लाठीचार्ज हुआ उन्हें अपराधी घोषित किया जाए, और अपराध की धाराओं के तहत उन पर मामला चलाया जाए, और साथ ही मांग ये भी की गई है कि घायल किसानों को मुआवजा मिले। देखना यह है कि NHRC इस मामले में क्या कार्रवाई करती है। कैमरा पर्सन मोहित कासले के साथ जैनेन्द्र, ABP न्यूज, दिल्ली। ABP News, आपको रखे आगे।